The question is, if y is equal to 3 into e raised to the power 2x plus 2 into e raised to the power 3x, then prove that d square y over dx square minus 5 times of dy over dx plus 6y, and that is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेस टू दावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेस टू दावर 3x के, ठीक है. और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इतना पॉइंट तो क्लियर होगा ही कि अगर मेरे पास ई रेस टू दावर ए एक्स फंक्शन है और इनकेस अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है ए इंटू ई रेस टू दावर ए एक्स के. तो मुझे इस कॉन्सेप्ट की इस एक्सप्रेशन में बार बार जरूरत पड़ने वाली है. तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. वैसे तो क्वेश्चन में आपको इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, उसके बाद देखेंगे कि आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं. अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx आपको मिलने जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 3, और e रेस टू द पावर 2x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू e रेस टू द पावर 2x. सिमिलरली ये 2 कॉन्स्टेंट है, और e रेस टू द पावर 3x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 3 इंटू e रेस टू द पावर 3x. आप चाहें तो इसे और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ये बनेगा dy ओवर dx, दिस इज योर 6 इंटू e रेस टू द पावर 2x, और इसको भी लिख सकते हैं 6 इंटू e रेस टू द पावर 3x के, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन केस अगर आप एक एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक टर्म आपके पास e की पावर 2x और एक टर्म e की पावर 3x है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ से इस इक्वेशन से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 मैं e की पावर 3x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है. तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से चेक करें तो 2 इंटू e की पावर 3x को आप लिख सकते हैं y माइनस 3 इंटू e रेस्ट टू दावर 2x, और ये डाटा मैं यूज करने जा रहा हूं इस एक्सप्रेशन में. लेट आप इसे इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लीजिए. तो आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx को अब लिखा जा सकता है, डेट इज योर 6 e रेस टू द पावर 2x, ये ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ 6 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 3 इंटू 2, 2 इंटू e रेस टू द पावर 3x में, ठीक है. और ये जो 2 इंटू e की पावर 3x हमारे पास डाटा है इसको चलिए रिप्लेस कर लेते हैं. तो जैसे आप इसे रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx इज योर 6 e रेस टू द पावर 2x प्लस 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 3 e रेस टू द पावर 2x के. अगले स्टेप में आप इसे लिख पाएंगे dy ओवर dx, दिस इज योर 3y, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस के 3 इंटू e रेस टू द पावर 2x, ठीक है. अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में आपको दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो जैसे आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमारे पास बनेगा 6 इंटू ई रेस टू दावर 2x के. चलिए फिर से हम लोग यही सेम मैनेजमेंट यहाँ पे कर लेते हैं. अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और इक्वेशन नंबर 3 से आप देख सकते हैं कि 3 इंटू ई की पावर 2x को आप लिख सकते हैं 3y माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, और ये डाटा को इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यहां पे यूज करूं तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ये आपका टर्म है, इसके बाद माइनस 2, और साथ में हमारे पास है 3 इंटू ई रेस टू दावर 2x. मैंने इस स्टेप के बाद ये स्टेप यूज किया हुआ है, ठीक है. अब बस कुछ नहीं करना है, ये 3 इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू आप सबमिट कर सकते हैं. तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये आपके पास है 3 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2, और यहां पे आप यूज कर सकते हैं 3y माइनस डी वाई ओवर डी एक्स के. इनकेस अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं प्लस के 5 टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 6y के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस
6y एंड दैट इज इक्वल टू 0।